एक दो और निकालते खुलजा सिंह से। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताओ, रिवल कर देगा आज। और ये अंकल जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। देख, हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं बताऊं तो आज का दिन थोड़ा मेरे लिए ख़राब है, क्योंकि पता नहीं ये जो मेरा ईयर है ना लेफ्ट साइड वाला, वो थोड़ा यहाँ पर पेन हो रहा है। पता नहीं क्यों, ये शायद ठंडी वंडी के कारण से हो गई है, पता नहीं कुछ भी, बट ये बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है आज मॉर्निंग से ही। तो एक सबसे बड़ा सवाल मेरे को मिल रहा है कमेंट में बहुत ज़्यादा कि बहुत कोई होता है ना कि जिम के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरे लिए बस एक ही मेरे पास जवाब है आप लोगों के लिए, जो जैसा जिनको लगता है कि जिम में जाने से बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाते हैं डाइट लेने में, जिम का फ़ी वगैरह। तो मैं आपको बताऊँ तो मैं भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, जस्ट एक पैकेट मनी जो मुझे मिलता था घर पर, जो भी मिलता था 100-150 जो भी मिलता था, उसको मैंने ना सेविंग करना सीखा और धीरे धीरे सेविंग करने लगा। तो उसी से मैंने जो फर्स्ट टाइम जो मैं जिम ज्वाइन किया था, तो मैं आपको बताऊं तो उसमें मेरा जो फ़ी था जिम का वो था लगभग 300 रुपीज़ पर मंथ का। उसमें कोई ट्रेडमिल वगैरह नहीं होता था, बस एक नॉर्मल सा जिम था। और अब आप होता क्या है ना कि आप तो जिम चले गए, फ़ी भी दे दोगे आप 1000 मान लो, 500 रुपीज़ आप फ़ी दे दोगे ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है ना कि बहुत कोई होता है कि भाई आप एक मंथ जिम गए, अच्छे से वर्कआउट किए, बहुत तगड़े तरीके से डाइट भी ले रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो होता है क्या ना कि खुद बे खुद आपको लगता है ना कि अरे भाई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप गिव अप कर देते हो। देखो भाई, सिंपल सा फंडा ठीक है ना, कोई बच्चा जब पैदा होता है ना तो तुरंत चलना तो सीखता है नहीं, सिंपल सी बात है। वो गिरता है, रेंगता है, तब भी खड़ा होता है, उसके बाद फिर वो चलना सीखता है। तो सेम सिचुएशन हर चीज़ में है ठीक है ना। आप जिम जाओगे, स्टार्टिंग में आपको लगे ये 3-4 महीना में बॉडी नहीं बनती मेरे भाई ठीक है, इसके लिए आपको ना सालों साल टाइम देना पड़ेगा। ये आपको चेंजेस देखना, आप 6 महीना जिम जाओ, अच्छे से डाइट लो ठीक है, और दबा के खाओ, देखो 100% है कि आपकी बॉडी बनेगी ठीक है। तो अभी हो चुका है टाइम, 5 बज चुका है और मैं जाता हूँ हमेशा की तरह, पता है 6:30-7 बजे तक जिम। तो उससे पहले मैं ले रहा हूँ एक नॉर्मल सा मील, आपको दिखाता हूँ। देखो आप, ये है एकदम, देखो दिख जाएगा। हाँ, ये जो है ओट्स है और इसमें मैंने लिए 2 केले ठीक है। 7 बजे जिम जाना, अभी हो रहा 5:30 शाम का ठीक है, 5:30, तो 1.5 घंटा आराम से पच जाएगा ठीक है। सबसे बेस्ट यही है। ये मेरा जो है फोर्थ टाइम का मील है ठीक है। उसका 2 और मील लूँगा जब मैं जिम से आऊँगा घर पे, उसका फिर एक नाइट में जब सोने से पहले, तो 6 मील मेरा टोटल कंप्लीट हो जाता है। तो देखो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है ठीक है। इंतज़ार करो, ज़रूर बॉडी बनेगी। तो चलते हैं सीधा, पहले इसको खाते हैं ओट्स को, उसके बाद फिर आपको मिलता है सीधा जिम पे। तो भाई सब निकले थे जिम के लिए, आपको पता ही होगा, बट आ गया कहीं और, मूड बन गया किसी और चीज़ के लिए। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, एक सरप्राइज है बहुत बड़ा। वैसे आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा क्या सरप्राइज है, तो चलते हैं अंदर, देखिए क्या होने वाला है। तो जी सरप्राइज आप लोगों के सामने ये रहा, नया आईफोन 13 है ठीक है। हाँ, तो बिना किडनी जो बोलते ना, किडनी बेच के आईफोन लेना पड़ेगा भाई, तो किडनी बेचने का जरूरत नहीं है, मेहनत करो पैसा कमाओ आईफोन आ जाएगा ठीक है ना। तो ये आईफोन वैसे मेरा नहीं है, इसका है मेरा दोस्त का, मेरा भी इतना ये नहीं हुआ है, लेकिन हाँ भाई मेहनत जरूर करेंगे, इतनी हेवी फोन लेंगे। देख लो आईफोन 13, इसका अनबॉक्सिंग में दिखेगा आपको, आप तगड़ा वाला है ना। निकल लेते तो जिम के लिए, बस उससे बड़ा सरप्राइज ये मिल गया, देख लो। चलो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाते हैं। तो जी ये हो रहा अनबॉक्सिंग, वाओ। एक दो और निकालते खुल जा सिम सिम। ओ माय गॉड, ये रहा फोन, ये फ्रंट लुक, और आप ये बैक लुक। अब इसका सामने का धीरे से निकालते, वो निकला भाई साहब। ये रहा फोन, देख लो भाई।
खैर इसमें सकल और गोरा आएगा है ना, आप तो देना है वो मेरा वीडियो बना देना। अरे भैया जी कांटेक्ट कर लो, आईफोन लेने के लिए कॉल करें, आईफोन लेने के लिए कॉल करें 11, 12, 13, 14 प्री बुकिंग चल रहा है। ऑफर क्या मिलेगा वो भी बता दीजिए। ऑफर जल्द आ रहा है, आगे देखेंगे ना यार। हमारा हो चुका है फाइनली डन इस फोन के साथ। आप घर जाके पहले इसका आईडी बनाएंगे, उससे पहले भूख लग चुका जोर का, तो मेरा बिक्की भाई को पहले खाना खिलाएगा, पेट पूजा कराएगा, पार्टी देगा इसका, उसके बाद चलेंगे घर पे। इसके बाद इसका आईडी वगैरह बनाना मुझे, ठीक है ना। चलते पहले खा के, तो क्या खिलाएगा रे? बिरयानी, चिकन बिरयानी, आज मज़ा आने वाला, पेल के खाएंगे, है कि नहीं? तो चलते हैं पहले इसका कवर देखते हैं, कहीं मिलता तो सही है। ये तो हम तो अभी जियो के स्टोर में आए हुए थे, तो पहले इसका कवर लेंगे, उसके बाद चलने वाले। और हाँ जी, अगर आपको ये आईफोन लेना है गिरिडीह के अंदर, तो अभी इन भैया के पास आ जाओ। ये क्या है भैया आपका दुकान का? जियो स्टोर, माय जियो स्टोर, एक्सिस बैंक। पूरा डिटेल आप बता दो। माय जियो स्टोर नियर एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, LIC के बगल में है। और अभी कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या? डिस्काउंट आपको पेपर फाइनेंस में हो जाएगा। ओह, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना। और नॉर्मल तरीके से अगर आपका सिविल वगैरह अच्छा, तो आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं ना। तो जी, एड्रेस आपको मिल चुका है, आप मेरा नाम लो, यहाँ पे हाजिर हो जाए, आपका आईफोन यहाँ से बहुत सारे फ़ोन आपको मिल जाएंगे भैया के पास, इनका आके। आपका नाम क्या है वैसे? सुमित नाम लेना, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रेफरल बोनस होना, कुछ भी जो होगा इनसे, वो मतलब आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, है ना। तो चलते हैं अभी फिलहाल पार्टी करने के लिए, उसके बाद घर जाएंगे, फिर आईडी बनाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और कल आपको जिम में मिलेगा इस आईफोन से वीडियो का, नया तगड़ा वाला वीडियो मिलने वाला कल जिम में इससे, है ना। तो चलते हैं पहले खाने के लिए हम लोग। दो भूखड़ खा रहे हैं साले, कितना दिन से नहीं खाया बे? एक हफ्ते से नहीं, तुम कितना हफ्ते से नहीं खाया? दो साले बिरयानी खा रहा है ये लोग। मेरा तो साला कुछ, मेरा खाली है भाई, देखो कुछ नहीं है। मेरा आ रहा है, क्या आ रहा है गेस करो? हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी आ रहा है, चिकन हैदराबादी। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताओ? रिवल कर देगा आज? अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी नहीं लेंगे? अरे नाम ही बता दो ना, आईडी ही बता दो, आईडी बताओ, आईडी का 4 लेटर वर्ड, नाम बता दो। ये नहीं है, अरे साला परसों किसको बाइक स्कूटी में घुमा रहा था? परसों स्कूटी में किसको घुमा रहा था? तुम ही ना बोल रहा था बारिश में लेके घूम रहे थे। फ्रेंड था, अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं था। अरे भाई साहब आ गया मेरा हैदराबादी, बट पराठा ही नहीं है साला। पराठा ही नहीं, वाओ यम्मी है यार। चलो पहले इसको ख़त्म करते हैं। पानी का मौसम था, इसलिए बारिश हो रहा है, समझे ना। और हाँ, एक गाना सुनाना तो जाना चाहते हैं आप लोग को। जिंदगी के तलाश में हम, मौत के इतने पास आ गए। जब ये सोचा था तो घबरा गए। मर जाओगे साले गाना सुन के मेरा। कुछ भी कौन ही रख रहा है। देखते हैं, कवर लेने के लिए आए हैं, आज कवर मिल गया तो ठीक ठाक है, नहीं तो कवर में डाल देंगे इसको आज। अगर कवर मिला तो ठीक है, नहीं तो आज इसको कवर में डाल देंगे हम लोग। अरे जो है 13, 14 जो लगे सब लगा दीजिए, समझे ना। ये हमारे टीपू भैया, टीपू सुल्तान। और ये अंकल जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। देखो अंकल जी का, देखो अभी भी बहुत ही क्या होता है, एक नंबर का टेलर है, दर्जी है, कुछ भी सिलाना तो उनके पास। अरे पेटीकोट वगैरह सिलते हैं ना,
सब सिलता है, साड़ी में फॉल पिको जो होता सब हो जाता है यहाँ। आज हमेला हो रहा है, आज हमेला हो रहा है, एक कोई बोल रहा है 140, एक सौ बोल रहा है 240, बट ये कवर देखो लग गया है, बहुत तगड़ा एकदम कवर है। ग्लास भी लगाना इसमें, ग्लास भी लगा, ग्लास भी लग गया, मस्त लग गया। कितना दें आप, कितना बोल रहे हैं? 240, 240। तुम कितना बोल रहे हैं? 200। एक काम करो, दोनों लड़ा लो पहले। चलो ठीक है, बिक्की भाई आया हुआ है, पुराना कस्टमर मेरा साथी है। ये दुकानदार का मृदुभाषी है। बिक्की भाई पुराना कस्टमर साथी भी है, 20 रुपए इसको डिस्काउंट दिया जाएगा। हाँ तो और आप पैसा ही मत लीजिए, अपना बात है यार। क्यों लेंगे, चलिए कितना माल दे। हाँ एक काम करो, 200 दे दो, 200 मार देते हैं, 200 सनी मंडल, सनी मंडल 200 पे ऐड कर देते हैं ना, 200 रुपए पूरे पूरे में। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे ना, अभी लगाना है, अभी लगाना है, हेडफोन भी लेना। अभी यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है भाई, देख लो, कर दे गूगल पे कर दे, तड़ातड़ा एक दो सब्सक्राइबर यहीं बढ़ जाएगा। अभी कब ले पाएंगे यार हम, क्या बेचना पड़ेगा, किडनी, घर द्वार, कुछ नहीं, पैसा नहीं लगाइए राजा, जल्दी जल्दी शेयर कर दो यार, जिस दिन चाइना मोनेटाइज हो जाएगा उस दिन ले लेंगे एक आईफोन पक्का, डन। चलिए चले तो फिर, चलो बाय बोल दीजिए, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, है ना। प्रिंस मोबाइल स्टोर आइए, एक्साइटिंग ऑफर पाइए आप यहाँ पर। तो गाइज मैं फाइनली घर पे पहुँच चुका हूँ, और बारिश में भींग गया पूरा बुरी तरह से वहाँ पे रेस्टोरेंट के निकलने के बाद से। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, मजा मस्ती से बीता भाई, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें। विक्की ने नया फ़ोन भी ले लिया, मेरे को पार्टी भी मिल गई, पेट भी भर गया, और घर पे अभी कुछ नहीं खाने वाले, चुपचाप से दूध पीना है और सो जाना है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो के साथ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और लव यू ऑल।